नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना YouTube चैनल धरुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे कि जिस दिन आपका जन्मदिन है, जन्मदिन के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी अक्सर गलतियां हैं जो लोग जन्मदिन के दिन अक्सर अभी कर रहे हैं और उसके बुरे परिणाम भुगत रहे हैं। तो अगर आप ऐसा बुरा परिणाम भुगतना नहीं चाहते तो वीडियो को एंड तक देखें, सभी बातों को शास्त्र प्रमाणों के साथ समझें, क्योंकि हम जो भी बात बताएंगे शास्त्र प्रमाण के साथ बताएंगे। क्या क्या नियम है, क्या क्या चीज़ें आप जन्मदिन के ऊपर कर सकते हैं, क्या आपको नहीं करना है, उन सभी विषयों के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारा यह कंसेप्ट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँचाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर बार की तरह इस बार की चर्चा की शुरुआत भी हम शास्त्र प्रमाण के साथ करेंगे। शास्त्र प्रमाण बाल बोध ज्योतिष सार समुच्चय ग्रंथ में हमें इस प्रमाण मिलता है कि जातम दिनम दूषयते वसिष्ठः पंचैव गर्गास्त्रि दिनम तथा त्रिहि तज्जन्म पक्षम किल भागुरिश्च व्रते विवाहे गमने क्षुरे च। अर्थात जातम दिनम दूषयते वसिष्ठः, जन्मदिन जो है वह वशिष्ठ ऋषि के मतानुसार दूषित होता है। उस दिन आपको कोई भी विशेष कार्य, जैसे कि अंत में कार्य बताएंगे, वैसे कार्य आपको जन्मदिन पर नहीं करने हैं। अत्रि ऋषि के अनुसार 5 दिन खराब होते हैं, 3 दिन का आगे ऋषियों ने बताया है, तो क्रम से एक दिन ऋषियों के मत से एक दिन भी खराब है। अगर ज़्यादा आप देखना चाहते हैं, कोई विशेष कार्य आपको करना है तो 5 दिनों तक में कार्य मत कीजिए। और बहुत विशेष कार्य है कि आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, तो वह उस पक्ष में और महीने में नहीं करना चाहिए। जिस महीने आपका जन्मदिन हो उस महीने में वह कार्य आपको नहीं करना चाहिए। क्या क्या नहीं करने चाहिए? व्रते विवाहे गमने क्षुरे च। व्रत मतलब यज्ञोपवीत संस्कार, व्रतबंध संस्कार। वह आपको अपने जन्म मास में, जिस महीने आपका जन्म हुआ है, यहाँ खास यह बात ध्यान रखें, जनवरी फरवरी माह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है हमारे हिंदू महीने कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष इत्यादि जो महीने हैं उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि जन्म मास में, जिस महीने आपका जन्म हुआ है उस महीने में व्रत मतलब यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार, विवाह इत्यादि शुभ मांगलिक संस्कार आपको जन्मदिन के अवसर पर नहीं करने चाहिए। अभी एक साथ ट्रेंड निकल पड़ा है कि जन्मदिन पर ही विवाह संस्कार रखते हैं, बीच में केक कटिंग का भी सेरेमनी करते हैं, परंतु रीत रिवाज के अनुसार ये लोग कर रहे हैं, परंतु यह शास्त्रीय अधिकार के मुताबिक गलत है। शास्त्र प्रमाणों के साथ हम बता रहे हैं कि यह गलत है, आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ही दूषित परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं। गमने क्षुरे च, किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर, यात्राएं 2 प्रकार की होती है, एक सामान्य यात्रा और एक विशेष यात्रा। सामान्य यात्रा जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं, रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, कहीं ऑफिस के काम से जा रहे हैं, तो वह सामान्य यात्रा है। विशेष यात्रा किसे कहते हैं? जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो, कोई ऐसी बिजनेस डील पे जा रहे हैं जिससे आपको बहुत लाभ होने वाला हो, किसी से विजय के लिए जा रहे हैं, लड़ाई के लिए जा रहे हैं, तो वह विशेष यात्राएँ होती है। तो अगर विशेष यात्रा आपको करनी है तो वह जन्म के महीने में नहीं करना है। अगर इतना संभव नहीं, इमरजेंसी है, तो उस पक्ष में मत कीजिए। उससे भी इमरजेंसी है तो वह 5 दिनों में मत कीजिए। और बहुत आवश्यक होने पर भी जन्मदिन के दिन आपको यह कभी भी नहीं करना है। अगर हो सके तो महीने में मत करिए, परंतु बहुत आवश्यक हो तो जन्मदिन के अवसर पर तो आपको यह कार्य कभी भी करने नहीं चाहिए। आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मंदिर में किस तरह की प्रदक्षिणाएं करनी चाहिए उस विषय में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। काफ़ी लोगों की 2-2 राशियां होती है, जन्म में कुंडली की राशि कोई अलग होती है, नाम दूसरे नाम से बुलाते हैं लोग, नाम की राशि भी अलग होती है, तो उसमें हमें कब कौन सी राशि माननी चाहिए, कहाँ किस राशि का प्रयोग करना चाहिए, उस विषय में अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं एक नई शास्त्रीय चर्चा में, नए शास्त्र के प्रमाणों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।